रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ में भाजपा नेता व सतपाल महाराज के करीबी पंकज भट्ट को देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। तीर्थ पुरोहितों के समर्थन में पहुंचे भाजपा नेता को तीर्थ पुरोहितों ने ऐसा भगाया कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए 3 मंजिला भवन पर चढ़ना पड़ा। पूरे मामले में सोशल मीडिया में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि आक्रोशित तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी नेता पंकज भट्ट से आतापाई कर ली। पूरे मामले में अब भाजपा नेता पंकज भट्ट की सफाई भी सामने आई। उनका कहना है कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों से कोरोना की वजह से तीर्थ पुरोहित यात्रा नहीं चलने से भी काफी आक्रोशित हैं। उन्होंने सरकार से देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग की। पिछले 2 वर्ष से हमारी चारधाम यात्रा कोविड के कारण हो नहीं पा रही है, जिससे चारधाम से जुड़े जितने भी हमारे व्यापारी लोग हैं, हमारा पंडा समाज है, सभी लोगों के घरों की स्थिति यह है कि चूल्हे जलने मुश्किल हो गए हैं। मेरा सरकार से आग्रह है, इस ओर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि नीचे शहरों में तो होटल चल रहे हैं, लेकिन वो यात्री चारधाम यात्रा चालू ना होने के कारण ऊपर पहाड़ों में नहीं आ पा रहा है, जिससे पहाड़ों में रोजगार ठप पड़ा हुआ है। साथ ही आज उखीमठ में देवस्थानम बोर्ड के विरोध में हमारे पंडा समाज ने बहुत विशाल एक रैली निकाली थी, तो उस रैली में मुझे भी आज उनके रोष का सामना करना पड़ा।